बीते कल का माफिया अतीक आज टुच्चे गुंडों की तरह सर झुकाए चल रहा है। एक बार फिर अतीक प्रयागराज में है। कल उमेश पाल मर्डर केस में अतीक को अदालत के सामने पेश होना है। अतीक का क्या होगा ये अदालत तय करेगी, लेकिन अतीक का परिवार और उसका खानदान दोनों को अपने गुनाहों का हिसाब देना पड़ रहा है। आज अतीक के भाई अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा को भी पुलिस ने आरोपित कर दिया है। जरा देखिए अतीक के परिवार के कितने सदस्य कानून के निशाने पर हैं। अतीक अहमद की पत्नी शायस्ता परवीन पर मर्डर की साजिश में शामिल होने का केस लगा हुआ है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा पर शूटर्स की मदद करने का आरोप है। अतीक की बहन आयशा नूरी पर शूटर्स को भगाने में मदद का आरोप है। अतीक की बहनोई पर शूटर्स को पनाह देने का इल्जाम है। अतीक की भांजी उंजल पर भी शूटर्स की मदद करने का केस है। अतीक के बेटे अली पर हत्या की कोशिश, रंगदारी मांगने के आरोप है। अतीक के दूसरे बेटे उमर पर किडनैपिंग, फिरौती, दंगा फैलाने के आरोप है। अतीक के तीसरे बेटे असद पर उमेश पाल की हत्या का आरोप है। अतीक के चचेरे भाई असलम पर हत्या की कोशिश और रंगदारी के भी केस दर्ज है। यानी सिर्फ अतीक और अशरफ ही नहीं, बल्कि ये पूरा खानदान गुनाह की दुनिया में डूबा हुआ था। अतीक की क्राइम फाइल का हर पन्ना खुल रहा है, शिकंजा कसते जा रहा है। अतीक, उसके रिश्तेदार कानून के कटघरे में है। अगर देखा जाए तो अतीक के काले कारोबार में पूरा परिवार, खानदान शामिल था और पूरी फैमिली इस वक्त वांटेड है। अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया। उसके परिवार के खिलाफ वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। जब उमेश पाल का प्रयागराज में दिन दहाड़े मर्डर हुआ था, उसके बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जुबान से ये अल्फाज निकले थे, मिट्टी में मिल जाने का जिक्र एक बार फिर हुआ है। फर्क इतना है, इस बार योगी नहीं बोले, इस बार बोल रहा है अतीक और कह रहा है मिट्टी में मिलाकर रगड़ दिया। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया और एक सवाल कोई कर रहा था, समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। साबरमती टू प्रयागराज जब अतीक दूसरी बार इस सफर पर निकला तो उसके चेहरे पर शिकन और आंखों में डर था। इस बार अतीक मूंछों पर ताव नहीं दे रहा था, बल्कि खामोशी के साथ निगाहें नीची करके चल रहा था। जब जब मीडिया का माइक अतीक के पास पहुंचता तो अतीक के अंदर कानून के डर की तस्दीक हो जाती। ये पहली बार नहीं है जब अतीक ने अपना डर कैमरे के सामने जाहिर किया हो। साबरमती टू प्रयागराज पार्ट वन में भी अतीक की जुबान लड़खड़ा रही थी और उसे मौत आंखों के सामने नाचती नजर आ रही थी। क्या कहेंगे दोबारा से ले जा रहे हैं? ये वही अतीक है जिसके नाम से कभी प्रयागराज का चकिया इलाका थर थर कांपता था, लेकिन आज अतीक कांप रहा है। अतीक की जुबान खुलती है तो सिर्फ निकलती है दिल के अंदर बसी दहशत और मजबूरी, जिसने माफिया अतीक को घुटनों पर ला दिया है। मैंने उमेश पाल के हफ्ते में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का वही जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ। अतीक आज दुहाई दे रहा है, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अतीक के दिन अब पूरे होते नजर आ रहे हैं। उमेश पाल किडनैपिंग में उम्र कैद की सजा हुई थी, इस बार मामला उमेश पाल मर्डर केस का है और अतीक को पता है बचकर निकलना मुश्किल है। विक्टिम कार्ड खेलकर बस वो 24 घंटों के सफर से बचने की कोशिश कर रहा है। माफियाओं को और अपराधियों को एहसास हुआ है कि सरकार क्या होती है, कानून व्यवस्था क्या होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर कानून व्यवस्था का एहसास माफियाओं को नहीं होगा और सरकार का एहसास नहीं होगा तो निरंकुश रहेंगे, जैसे पिछली सरकार में होता आया है। माफियाओं से
उत्तर प्रदेश की जनता को मान सम्मान की सुरक्षा हम लोग कर रहे हैं और उनके धन की सुरक्षा भी हम लोग कर रहे हैं। कभी सरेआम कत्ल आम कराने वाला अतीक आज खुद कबूल रहा है कि मिट्टी में मिलाया तो मिलाया, आज अतीक रगड़ गया, उजड़ गया। टीम न्यूज नेशन। अतीक अहमद और उसका परिवार ही नहीं, उसके गुर्गों पर भी कानूनी हंटर लगातार जारी है। आज भी यूपी पुलिस और जांच एजेंसियों ने अतीक के गैंग पर कड़ा एक्शन लिया है। आज ईडी ने सबसे पहला एक्शन खालिद जफर पर लिया, जो अतीक का दूर का रिश्तेदार था, अतीक गैंग का फाइनेंसर माना जाता है। एक्शन की लिस्ट में दूसरा नंबर आया खान शौकत हनीफ का। यह अतीक का वकील हुआ करता था और उमेश पाल अपहरण मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी के रडार पर आया तीसरा चेहरा था सीताराम शुक्ला का, जो अतीक गैंग का अकाउंटेंट माना जाता है और अतीक के काली कमाई का हिसाब किताब भी रखता था। अतीक अहमद के एक और करीबी गुलफुल प्रधान के घर पर भी छापा मारा गया। योगी ने कहा था कि अतीक की माफियागिरी को मिट्टी में मिला देंगे और जिस तरह एक के बाद एक्शन हो रहा है वो बता रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब अतीक का काला सिंडिकेट मिट्टी में मिल जाएगा।